जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हमने शॉर्ट वीडियोस का सिलसिला दोबारा शुरू किया है। इसमें हम एक टॉपिक लेते हैं जिसमें लास्ट 24 आवर्स में मोस्ट आस्क क्वेश्चन जो है वो उसको लिए जाते हैं। ये मोस्ट आस्क क्वेश्चन हम अपनी वेबसाइट से लेते हैं, अपने फेसबुक पेज से लेते हैं, इंस्टाग्राम से लेते हैं या डायरेक्ट हमें कॉल्स या मैसेज के थ्रू आते हैं। तो आजकल क्योंकि इटली में एडमिशन्स स्टार्ट हैं, कुछ लोगों के एडमिशन्स आ रहे हैं, कुछ के अप्लाई हो रहे हैं, तो नेक्स्ट प्रोसीजर पे जा रहे हैं जो वीज़ा के हवाले से है। तो वीज़ा के हवाले से जो मोस्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं कि वो फाइनेंशियल्स के हवाले से आ रहे हैं कि बैंक स्टेटमेंट कितनी होगी, बैंक स्टेटमेंट के साथ और क्या क्या प्रूफ रिक्वायर्ड होंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे। तो आज हम ट्राई करते हैं इस शॉर्ट वीडियो में आपको बताने की जिसमें बैंक स्टेटमेंट कितनी रिक्वायर्ड होगी, इस्लामाबाद एम्बेसी या कराची एम्बेसी पाकिस्तान में जो है वो उसके अदर डॉक्यूमेंट्स में फाइनेंशियल्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं कि इसकी बैंक स्टेटमेंट में जो है इसकी बैंक स्टेटमेंट कितनी रिक्वायर्ड होती है। तो इसकी बैंक स्टेटमेंट मिनिमम जो है जो बैंक स्टेटमेंट है वो 2 मिलियन की होनी चाहिए और 2 मिलियन की 20 लाख की बैंक स्टेटमेंट एटलीस्ट होनी चाहिए लास्ट सिक्स मंथ की बैंक स्टेटमेंट 2 मिलियन की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए 20 लाख लास्ट सिक्स मंथ। इस तरह काउंट होते हैं कि जब आपने वीजे के लिए जब आप अपेयर होते हैं तो फॉर एग्जांपल आप सितंबर में 15 सितंबर को वीजा के लिए अपेयर हो रहे हैं 21 में, तो 15 सितंबर से पीछे लास्ट सिक्स मंथ जो है वो काउंट होते हैं। तो वो लास्ट सिक्स मंथ काउंट होते हैं जिसपे जो आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी उस पे अकाउंट ओपनिंग की डेट जो है वो लाजमी मेंशन होनी चाहिए कि ये अकाउंट कितना पुराना है, और जितना पुराना अकाउंट होगा उतनी इसकी वैलिडिटी जो है वो बेहतर होगी। सेकंड स्टेप पे हमें प्रूफ ऑफ इनकम देना होता है कि प्रूफ ऑफ इनकम क्या है कि ये आपने जो 20 लाख कमाए हैं या 20 लाख जो आपने बैंक स्टेटमेंट में शो किए हैं तो इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपका प्रूफ ऑफ इनकम क्या है कि कहाँ से पैसे आए हैं। तो उसको प्रूफ करने के लिए कि अगर आप जॉबियन है जॉब कर रहे हैं या आपका जो गार्डियन है वो जॉबियन है तो उसकी सैलरी स्लिप्स लगेंगी, उसकी सैलरी स्लिप लगेंगी, उसकी जॉब एग्रीमेंट लगेगा। अगर आप जो है वो बिजनेसमैन है तो आपका जो है एनटीएन नंबर लगेगा बिजनेस का, और साथ आपका जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस शीट लगेगी कि आपका एनुअल जो है वो बिजनेस का जो टर्नओवर है वो कितना है। अगर आप जो है वो एग्रीकल्चरिस्ट है तो आपने उसका अपना जमीन का बताना है कि इतनी जमीन है उससे इतनी इनकम आती है, तो वो चीज़ आपने शो करनी है। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टीज हैं जैसे रेंटल प्रॉपर्टीज हैं आपकी अपनी इनकम है और आपने रेंट पे देनी है तो वो आपने प्रॉपर्टीज प्लस उनके रेंटल एग्रीमेंट्स जो हैं वो शो करने हैं। थर्ड पे आती है कि आपकी टैक्स रिटर्न फाइल होनी चाहिए। दो चीज़ें प्रूव होगी कि आपके पास पैसे भी हैं, आपके पास सोर्स ऑफ इनकम भी हैं, लेकिन क्या ये पैसे जो है वो आपको वैल्यू करता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या FDR जो है, तो उसका प्रूफ होता है कि आप एज अ फाइलर जो है वो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। तो आपने दो लास्ट 2 ईयर्स की टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करनी होती है। आप 21 में हैं तो आपने जो है वो 20 और 19 की जो है वो टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। टैक्स रिटर्न में और आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है जो बैंक स्टेटमेंट है ये इनका कॉम्बो जो होता है वो देखा जाता है। इसमें ये ना हो कि आप जो टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसमें ये लग रहा हो कि आपकी एनुअल इनकम जो है वो 5 लाख है और आप शो कर रहे हैं यहाँ पे लास्ट सिक्स मंथ की बैंक स्टेटमेंट 20 लाख की, तो आपका वहीं पे वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। तो वो जो चीजें तैयार करनी है वो आपस में मैच होनी जरूरी है कि जो शो कर रही हो कि ये आपकी एनुअल इनकम जो है वो 20 लाख है आपकी थ्रू आपकी बैंक स्टेटमेंट थ्रू सोर्स ऑफ इनकम। इसके बाद जो नेक्स्ट इसी के हवाले से क्वेश्चन में आ रहा है वो आ रहा है कि हु कैन सपोर्ट योर स्टडीज में, मीन्स कि आपकी स्टडीज के लिए या बैंक स्टेटमेंट डायरेक्ट एप्लीकेंट के अलावा किसकी लग सकती है। तो डायरेक्ट एप्लीकेंट के अलावा जो है वो बैंक स्टेटमेंट लग सकती है आपके फर्स्ट ब्लड रिलेशनशिप में से। तो आपके फर्स्ट ब्लड रिलेशन में कौन लोग होते हैं, आपके सिबलिंग्स मीन्स आपके बहन भाई, आपके पेरेंट्स के सिबलिंग्स और आपके पेरेंट्स के पेरेंट मतलब आपके दादा दादी, आपके सिबलिंग्स, आपके पेरेंट्स के सिबलिंग्स मीन्स कि आपकी मदर के सिबलिंग में आपके आ जाएंगे, मामू आ जाएंगे, खाला आ जाएगी, आपके चचा आ जाएंगे और आपकी पुप्पो आ जाएगी फादर के सिबलिंग में से, तो उनकी बैंक स्टेटमेंट्स लग सकती है। वो तमाम रिलेटिव जिनको हम थ्रू FRC प्रूफ कर सकें, नादरा के रिकॉर्ड के थ्रू प्रूफ कर सकें, वो आपके लग सकते हैं। थर्ड जो है वो बैंक स्टेटमेंट लग सकती है फॉर एग्जाम्पल अगर आपके इन रिलेशन में से इन रिलेटिव में से अगर वो किसी के साथ बिजनेस पार्टनर है और उनका कोई म्यूचुअल अकाउंट है तो वो बैंक स्टेटमेंट लग सकती है। अगर वो किसी के साथ बिजनेस पार्टनर्स हैं तो उनकी
टर्नओवर की बैंक स्टेटमेंट लग सकती है, एनुअल एनुअल टर्नओवर की जो उनकी रिपोर्ट है या फिजिबिलिटी है वो लग सकती है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इसमें आप मजीद भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर आप हमारे जो गिवन नंबर्स हैं, हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे हमें कॉन्टेक्ट कीजिए। अगर इसके अलावा और कोई क्वेश्चंस आपके हों तो श्योरली हम उसको भी आंसर करने की कोशिश करेंगे। आप इसके लिए वन टू वन मीटिंग करना चाहते हैं तो कॉल करें, अपॉइंटमेंट फिक्स करें, हमारे साथ बैठे, हम आपको कम्प्लीटली गाइड करेंगे। जजाक अल्लाह, हाफिज़।